दोस्तों एयरटेल के सभी यूजरों के लिए बुरी खबर निकलकर सामने आ रही है क्योंकि हाल ही में एयरटेल ने अपने रिचार्ज को हाइक कर दिया है। जी हां, आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं एयरटेल के अंदर एक 99 रुपये का प्लान चल रहा है जो हाल ही में बंद होने जा रहा है। जी हां, आपकी स्टेट में भी 99 रुपये वाला प्लान बंद हो सकता है क्योंकि हाल ही में एयरटेल ने अपने 2 नए प्लान लॉन्च किए हैं। जी हां, 2 नए प्लान के अंदर यहां पर प्राइस हाइक किया गया है और आपकी जानकारी के लिए बता दूं यहां पर जो 109 रुपये का प्लान एयरटेल के अंदर लॉन्च हुआ है इसके अंदर सेम बेनिफिट हैं जो एयरटेल के 99 वाले प्लान में दिए जा रहे थे, यानी कि अब आपको 99 रुपये की जगह 109 रुपये वाला रिचार्ज कराना होगा। बस फर्क ये है कि इसमें 99 रुपये के बैलेंस के साथ आपको 30 दिन की वैलिडिटी मिल रही है, बाकी सेम जो बेनिफिट 99 रुपये वाले प्लान में आता था वही बेनिफिट इस प्लान में भी दिया जा रहा है। और यहाँ पर दूसरा प्लान जो है वो है 111 रुपये का। जी हाँ, 111 रुपये का भी सेम प्लान है, सेम प्लान में बेनिफिट वही दिए जा रहे हैं जो 99 वाले प्लान में दिए जा रहे थे, लेकिन यहाँ पर वैलिडिटी को 1 मंथ के लिए कर दिया गया है। अब 1 मंथ का मतलब यहाँ पर यह है कि अगर महीना 31 का है तो ये पूरा 31 दिन चलेगा, महीना 30 का है तो 30 दिन चलेगा, और महीना अगर 28 दिन का है तो 28 दिन चलेगा। तो अब यहाँ पर 2 नए प्लान से साफ जाहिर होता है कि अब 99 वाला प्लान एयरटेल के अंदर बंद होने जा रहा है। जी हाँ, अगर आप भी एयरटेल का अभी तक 99 वाला प्लान अपनी स्टेट के अंदर करा रहे हैं तो आने वाले कुछ दिनों में ये प्लान आपका बंद हो जाएगा। और आपके एक स्टेट के अंदर एक खबर भी निकल के आई थी कि कोई भी स्टेट के अंदर 99 वाला प्लान बंद हो चुका है, वहाँ पर ये प्लान शो नहीं हो रहा है। तो अगर आपकी स्टेट में भी इस तरीके का मामला हो रहा हो तो आप कॉमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। इससे क्या होगा कि बहुत सारे यूजर जो आपके स्टेट से बिलोंग करते होंगे उन्हें 99 वाले प्लान के बारे में पता चल जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया 2 नए प्लान लॉन्च किए गए हैं, 109 जिसमें 99 रुपये का बेनिफिट दिया जा रहा है, और दूसरा प्लान है 111 रुपये का जिसमें आपको वही बेनिफिट दिया जा रहा है 99 वाला। तो सभी यूजरों के लिए यह था नया अपडेट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा।